बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है होम्योस्टेसिस। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो डिसऑर्डर है आज हमने उनको डिस्कस करना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको UTI भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो UTI के नाम से भी इसको कहते हैं। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है? अब बैक्टीरिया या वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक के अंदर एंटर कैसे करते हैं? ओपनिंग से ही एंटर करते हैं, या तो एनस के जरिए या यूरिथ्रल ओपनिंग के जरिए जो ये एंटर करता है। अब साइट क्या है इन्फेक्शन के, कहाँ कहाँ तक ये बैक्टीरिया एंटर कर सकता है? किडनी, ब्लैडर, यूरिटर या यूरिथ्रा। तो इसकी एक डायग्राम है, मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। पहले ये डायग्राम है हमारी यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मैन की। अगर बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया उनका यूरिथ्रल ओपनिंग से एंटर कर रहा है, तो अगर यहाँ से एंटर करेगा तो और इस जगह पर ग्रो कर जाए और यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो हम इसको कहते हैं यूरिथ्राइटस। क्या कहते हैं? यूरिथ्राइटस। तो जिस जहाँ पर भी एंड में आइटस आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो गई। और हमें पता है इन्फ्लेमेशन का मेजर कॉज जो होता है ना, वो बैक्टीरिया ही होता है। अगर इसके ऊपर अब जो वायरस या बैक्टीरिया है वो ट्रैवल करके अब ऊपर ब्लैडर में आ गया, ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सिस्टाइटस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टाइटस। अब ये जो इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया जो है ये और ऊपर स्प्रेड करे और ये किडनी पर आकर एड करे, जिसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन करा रहा है, तो इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटस। तो ये इसकी तीन जगह हैं जहाँ जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। और बैक्टीरिया एंटर कैसे करता है? यूरिथ्रल ओपनिंग से। तो पहले हम देख लेते हैं यूरिथ्राइटिस का ही देखते हैं। यूरिथ्रा के अंदर सबसे पहले जो है इन्फेक्शन होता है किस बैक्टीरिया की वजह से? ई कोलाई, इस्केरिया कोलाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। क्लैमडिया और नाइजीरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया जो है ये एक STD डिजीज़ है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ये बैक्टीरिया कॉज करवाते हैं। ये मेल से फीमेल को जो है लगता है, तो इससे भी जो है यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसकी अलामत क्या हैं? फीलिंग द फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड ऑफ़ यूरिनेट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बार बार यूरिन करने की जो होती है उनको, पेशेंट को फील होता है कि बार बार उसे यूरिन आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा, बार बार जाना पड़ता है उसको यूरिन करने के लिए। और अर्जेंट हो जाती है, बस उसे कंट्रोल नहीं होता कि उसे जो है डिफ़िकल्टी हो रही होती है कंट्रोल करने पर कि बस अभी जाकर उसे यूरिन पास आउट कर देना चाहिए। लेकिन जब वो यूरिन करने जाता है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है यूरिन को स्टार्ट करने में। और पेन ड्यूरिंग सेक्स लिखा हुआ है, डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइना। डिस्चार्ज होता है यूरिथ्रल ओपनिंग से भी और वेजाइना से भी। मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो एक ही है, जिसपे एक ही ट्यूब होती है यूरिथ्रा, जिससे सेमिनल फ्लूड भी आ रहा होता है, यूरिन भी आ रहा होता है। बट फीमेल के अंदर यूरिन का अलग है, यूरिथ्रा है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है वो वेजाइना है। तो दोनों से जो है आ सकता है कोई भी डिस्चार्ज। तो नाइजीरिया गोनोरिया में वाइट कलर का डिस्चार्ज मेल से आता है जो कि फीमेल को भी लग जाता है। उसके बाद अगर आप ब्लैडर, अब जो है ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया पहुंच गया ई कोलाई, अब वो क्या क्या सिम्टम्स होंगी? स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि पेशेंट बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकता अपने यूरिन को, उसे होल्ड नहीं करके रख सकता ज़्यादा देर तक ब्लैडर में, क्योंकि ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई। ऑब्वियसली अगर अब ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, अगर ब्लैडर ये इतना सा था पहले, अब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब अब अंदर की जो वॉल्यूम था वो अब कम हो गया। तो पहले जब ब्लैडर की कैपेसिटी थी 0.5 लीटर यूरिन को स्टोर करने की, अब वो कैपेसिटी इसकी कम हो गई। जैसे ही थोड़ा सा यूरिन इसके अंदर एंटर होता है, पेशेंट को फौरन से अर्जेंसी होने लगती है कि लाइक दे हैव टू जस्ट पास आउट द यूरिन एज सून एज पॉसिबल। तो स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट इस वजह से होती है कि ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया। ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया तो अंदर का जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सभी यूरिन अंदर आता है तो पेशेंट को अर्जेंसी होने लगती है। और क्या है? बर्निंग फीलिंग। बर्निंग फीलिंग का मतलब है पेशाब के अंदर जलन होती है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं। जब यूरिन पास आउट करते हैं और यूरिन के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, यानी कि पेशाब में जब जलन होने लगती है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब है बर्निंग सेंसेशन होना जब यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्रैनमैक्स के साशे होते हैं वो दिए जाते हैं ओरली, जिससे क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। और हीमाट्यूरिया का मतलब था, हीमा का मतलब है ब्लड और यूरिया का मतलब है यूरिन। तो ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है, तो जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हीमाट्यूरिया। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है कि बैक्टीरिया ने अंदर कोई इन्फेक्शन करा दिया, जिसकी वजह से ब्लड यूरिन में आ रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या है? एंटीबायोटिक है और बर्निंग सेंसेशन में क्रैनमैक्स है।
उसके बाद है पासिंग फ्रीक्वेंट, अच्छा उसे जल्दी यूरिन पास आउट करना पड़ता है, बर्निंग बर्निंग सेंसेशन आती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज होने लगती है, और क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट होता है। मैंने कहा था ना कि ब्लैडर का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो इसके अंदर यूरिन भी थोड़ा बहुत ही जमा हो जाता है, तो वो जब यूरिन करने जाते हो तो थोड़ा सा यूरिन पास आउट होता है, उसके बाद नहीं आता। ब्लड इन द यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा देता है जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है, तो इस टर्म को हम कहते हैं हीमाटूरिया, हीमाटूरिया। हीमा का मतलब है ब्लड और यूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर जो है क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पास द क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्रीक्वेंट यूरिन। कैसे यूरिन पास होता है, क्लाउडी होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेली होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो रही थी, पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी किडनी है ना वो पेल्विस रीजन में पाई जाती है, ठीक है। पेल्विस के यहाँ किडनी जो एब्डोमेन में होती है, और एब्डोमेन के नीचे यहाँ पर बिल्कुल पेल्विस रीजन में हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया है जिसकी वजह से पेल्विक क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, थोड़ा बहुत पेन होता है और हैवीनेस फील होने लगती है, फीलिंग प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बट एंड एब्डोमेन एंड लो ग्रेड फीवर, और लो मतलब कि एब्डोमेन से नीचे जो है प्रेशर फील होने लगता है और लो ग्रेड फीवर भी हो जाता है। अगर बैक्टीरिया ऊपर जो है ट्रैवल करके आ चुका है किडनी पर, अब किडनी में इन्फ्लेमेशन करा देता है, तो इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। बैक्टीरिया कौन सा है, ईकोलाई। बैक्टीरिया जब किडनी पर पहुंच जाता है तो कौन कौन सी सिम्टम्स आते हैं, इसमें नौजिया आता है, नौजिया का मतलब है वॉमिटिंग जैसा फील होना, वॉमिटिंग हो सकती है, बैक पेन होता है क्योंकि एब्डोमेन की जो हमारी बैक साइड है वहाँ पर ही किडनी होती है बैक साइड पर, इस वजह से जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, सही तरह से फिल्टर्ड पास आउट नहीं हो रहा है, यूरिन बन नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, पीछे में ऐसा रहता है कि कमर में दर्द हो रहा है, और हाई फीवर होता है विद कोल्ड। अच्छा, इन तीनों में, इसमें यूरिथ्राइटिस के अलावा इन दोनों के अंदर फीवर हो रहा है। अब फीवर क्यों होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ना तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अभी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है, ताकि जो बैक्टीरिया अंदर आए या तो उसको मार दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, कि बैक्टीरिया जल्दी से डिवाइड ना करे, तो बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ को रोक देता है। इस वजह से जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमें फीवर लाजमी होता है। तो ये तीन थी, पाइलोनेफ्राइटिस किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा की, यूरिथ्रा एक ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। यूरिथ्राइटिस के भी दो वेल्व होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल में होता है। सिस्टाइटिस ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तीनों किस वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से। अब तीनों में ईकोलाई बैक्टीरिया कॉमन है। फीवर इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है और इसमें लो ग्रेड फीवर होता है। और इसमें क्या होता है, फीवर के बारे में इन्होंने नहीं लिखा। ज़्यादातर क्या होता है, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेट की, अर्जेंसी होने लगती है, पेन होने लगता है, बर्निंग माइक्यूरेशन इसमें हो रही है। तो ये सारा जो था ये डिसऑर्डर है यूरिनरी ट्रैक का, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। कहाँ कहाँ हो सकता है, किडनी में, ब्लड है, यूरिटर और यूरिथ्रा में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट अब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो इसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, और अगर बर्निंग मैच्यूरेशन हो रही है तो उसके लिए मैंने कहा था क्रैनमैक्स के साचे होते हैं, वो दिए जाते हैं, 3 से 4 दिन तक या 7 दिन का इसका होता है कोर्स, वो पूरा कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद ये सिम्टम्स जो होते हैं खत्म हो जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है।